चुनाव में भाजपा का मुख्य मैनिफेस्टो क्या? मैनिफेस्टो आ गया है, उसको आप देख सकते हैं, पार्टी ने डाल दिया है। और जो मूल बात है वो ये है, पहले से ही आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास, पूरे देश को एक साथ लेके चलने की बात करती है। और आपने देखा है कि पिछले 5 सालों में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश के सभी भागों में, चाहे वो किसानी हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो देश की सुरक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है और देश को शक्तिशाली बनाया है, लोगों की समस्याओं को जड़ से सुलझाने की कोशिश की है। तो आगे भी जो भी मैनिफेस्टो आया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और आप लोग देख पाएंगे कि जो पूरा देश चाहता है फिर से एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो बनने के बाद वो सारी जिम्मेदारी निभाएंगे जिसको ये देश चाहता है। सर, आप सपा के साथ भी रहे, क्या नीति के कारण आप बीजेपी का दामन थामे? मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी अगर पूरे देश को साथ लेके चलती है तो वो पार्टी इस देश का कल्याण कर सकती है। और कोई अगर पार्टी सिर्फ अपने परिवार को समझती है और परिवार को ही पार्टी समझती है, परिवार को ही देश समझती है, वो इस देश का कल्याण कभी नहीं कर पाता। तो लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र में मुझे लगता है हर किसी को हक है कि वो अपना प्रतिनिधि चुने, हर किसी को हक है कि वो प्रतिनिधि बने। तो ये सुविधा जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, कहा जा रहा है बाकी दलों में सपा का गढ़ माना जा रहा है, उस गढ़ को तोड़ने ही तो आया हूँ। इस 2019 एक चीज सामने आ रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आपके अगेंस्ट हैं, तो लोगों ने जो है कई तरह से छिटाकसी अन्य विपक्षी लगा रहे हैं कि इनको जो है फूट डालो, राजनीति करो, इस तरह की भाजपा राजनीति करना चाहती, तो इस पर थोड़ा सा बताएं क्या? देखिए क्या है, फूट डालो राज करो ये काम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती, बल्कि ये राजनीति बाकी दल करते हैं। वो भारत के अंदर ही अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग क्षेत्र का उन लोगों ने अलग अलग बांट करके और वो राज कर रहे हैं, वो लोग सच में राज कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, देखिए, कोई दलित के नाम पे राजनीति कर रहा है, दलित का वोट एक जगह इकट्ठा कर लिया और खुद राज कर रहा है, वो दलित के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो खुद राज कर रहा है। कोई बैकवर्ड को एक जगह जुटा लिया, उसके नाम पर राज कर रहा है, फूट डाल के राज वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न समुदायों से जो लोग सक्षम हैं, जिनके अंदर क्षमता है, उनको चुन करके लाती है। और उनको अभी सिर्फ मुझे ही नहीं, आप देख लीजिए, एक सबसे कम उम्र के जो हैं खिलाड़ी, उनको भी उन्होंने अभी टिकट दिया है लड़ने के लिए, क्या नाम है उनका? सूर्या जी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हुनर की कदर करती है, आपके अंदर हुनर है और जिनके अंदर हुनर नहीं भी है उनको हुनर सिखाने की भी काम को कर रही है। सर, मुबारकपुर विधानसभा जो है बुनकर बाउल कस्बा रहा है और इसी से बनारसी साड़ी के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो पूर्व सरकार ने जो है कई जन कल्याणकारी योजनाएं की जो कि अधूर फाक रही है जी। तो क्या इस पर आपके सरकार द्वारा या उच्च स्तर तक आप इस बातों को, बुनकरों की और यहाँ के किसानों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुद्दा? मैं आया ही इसलिए हूँ क्योंकि इसके पहले जो कोई भी यहाँ आता था सिर्फ जीतने के लिए आता था। पिछली बार देख लीजिए, नेताजी आए, श्री मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से जीते चले गए, 5 साल तक वो आजमगढ़ आए नहीं, उनको क्या पता बुनकरों की क्या समस्या है, जो हमारे खेतिहर हैं उनकी क्या समस्या है, जब वो आएंगे नहीं तो पता कहाँ से चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे लोगों को हमें चुनना ही नहीं चाहिए जो सिर्फ आजमगढ़ जीतने के लिए आते हैं। जब यहाँ का व्यक्ति होगा, यहाँ का कोई बेटा होगा जो यहाँ के लोगों के बीच रहेगा, तो वो समझेगा कि इनकी तकलीफ क्या है और इसके बारे में हमको करना क्या है, लोगों से बात क्या करनी है। तो मैं आया ही इसलिए हूँ ताकि मैं आप लोगों के बीच में रह के, आप लोगों के साथ में रह के, चूँकि आप लोगों ने मुझे एक गरीब परिवार से उठा के इतना नाम शोहरत दिया है, तो मेरा भी धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अब अपने लोगों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, उनका दुख दर्द बांटने के लिए मैं भी कुछ करूँ। और इस उद्देश्य से